गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्टडीज़ क्लास। इन अवर सोशल स्टडीज़ क्लास टुडे वी विल कंटिन्यू अवर 13 चैप्टर दैट इज इंडियन ट्रांसपोर्ट। वी हैव डन अवर फर्स्ट टू टॉपिक इन अवर लास्ट क्लास, सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट, बोट्स एंड शिप्स आर द इम्पॉर्टेंट मीनस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। बोट्स ते शिप्स जड़े आ इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट आ, ठीक आ वाटर दे। बोट आर यूज टू क्रॉस द रिवर वेयर देयर आर नो ब्रिज, जिथे ब्रिजस नहीं होंगे उत्थे बोट की जरूरत पैंदी आ। शिप्स आर यूज टू कैरी गुड्स एंड पैसेंजर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। शिप्स की जरूरत पैंदी है, यूज़ किया जाता है एक कंट्री तो दूसरी कंट्री दे विच समान पहुँचाने लई या व्यक्तियों को पैसेंजर्स को पहुँचाने लई। अ पोर्ट इज द स्टार्टिंग एंड लैंडिंग पॉइंट ऑफ शिप्स। पोर्ट्स जिहड़े आ एक स्टार्टिंग पॉइंट शिप का ते एक लैंडिंग पॉइंट हुंदा आ, उन्हूं कहिंदे आ पोर्ट। पोर्ट का मतलब हुंदा आ बंदरगाह। देयर आर मैनी पोर्ट इन इंडिया, इंडिया दे विच बहुत सारे पोर्ट ने। शिप्स नीड पोर्ट्स टू लोड एंड अपलोड गुड्स। शिप्स नूं जरूरत हुंदी आ पोर्ट्स की, बंदरगाहां की, समान नूं लोड करन लई ते अपलोड करन लई। एयर ट्रांसपोर्ट, हवाई आवाजाई। एयर ट्रांसपोर्ट विच मेनली इनकलूड्स एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर द फास्टेस्ट मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट जिस दे विच मुख तौर ते हवाई जहाज़ ते हेलीकॉप्टर शामिल हुंदे हन, आवाजाई दे सब तो तेज चलण वाले साधन हन। टुडे वी आर कनैक्टेड टू ऑल इंपॉर्टेंट सिटीज़ इन इंडिया बाय एयर। अज असी हवाई जहाज़ के जरिए भारत के सारे महत्वपूर्ण शहर के नाल जुड़े हाँ। वी ऑल्सो हैव वेरी फास्ट मूविंग एयर बस, साढ़े को जी बहुत तेज चलण वाले हवाई जहाज़ और लार्ज प्लेन्स, तो लार्ज प्लेन्स भी हैगी आ। कैन टेक अस फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर विच आ 5 आवर्स, जो कि सानू एक कॉर्नर तो दूसरी कॉर्नर दे विच कुछ घंटियां तक ही पहुँचा दिंदी आ। केबल कार्स आर वेरी यूजफुल इन माउंटेन रीजनस, पहाड़ी खेतर दे विच केबल कारा जड़िया ने बहुत लाभदायक हुंदिया ने। क्यों? क्योंकि पहाड़ी खेतर दे विच मान लो दो पहाड़ा विच ते कोई रास्ता बनेगा नहीं, इसलिए एक जगह तो दूसरी जगह तक केबल कार जिहड़ी लिफ्ट करके लेके जांदियां ने। इन केस ऑफ नैचुरल कलैमिटीज़ हेलीकॉप्टर्स आर द बेस्ट मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट टू प्रोवाइड अस रिलीफ। हेलीकॉप्टर जिहड़ा है मान लो कुदरती आफत आ गई आ, ठीक है, तो हेलीकॉप्टर जिहड़ा आ एक बेस्ट मीनस वा, ठीक है, जो कि सानू रिलीफ दिंदा आ। मान लो एक हाड़ आ गया वा, ठीक है, उत्थे एरोप्लेन तो यूज़ नहीं होएगा, है ना, ना बोट ना से जा सकते हैं, फिर क्या होएगा, हेलीकॉप्टर ही सानू उत्तों उस जगह तो निकाल के दूसरी जगह दे विच लेके जा सकता है, उसनू कहिंदे आ रिलीफ। ए हेलीकॉप्टर डज नॉट रिक्वायर एन एयरपोर्ट टू लैंड एंड टू टेक ऑफ। हेलीकॉप्टर नू जरूरत नहीं होंदी ज़्यादा वड्डे एयरपोर्ट की, ठीक है, लैंड करने वास्ते ते टेक ऑफ करने वास्ते, वो छोटी जी जगह दे उपर ही जड़ा लैंड ते टेक ऑफ कर लेंदा या। सम अदर मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट दे कुछ होर तरीके। अदर दैन द मॉडर्न मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट वी यूज टूडे, आवाजाई दे आधुनिक साधन तो इलावा, नवे तकनीकी साधन तो इलावा असी जड़े कुछ होर साधन भी जड़े आ अजकल वरतदे हाँ। We also use animal to go from one place to another. असी animals नू भी use करते हैं एक जगह तो दूसरी जगह पर जाने के लिए, ठीक है। Horses, horses मतलब होंगे ने घोड़े, ponies, mules, mules मतलब होंगे ने गधे, yaks are used in hilly areas. ये सारे जड़े आ पहाड़ी इलाकों में वरते जाते, यूज़ किए जाते इन्हों, ठीक है। टू कैरी बोथ पीपल गुड्स, पीपल नू भी ते गुड्स नू भी। गुड्स हुंदे ने जो असी अपने वर्तन वाली चीज़ा, चाहे वह खाने वाली होए चाहे वर्तन वाली होए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एलीफेंट आर यूज्ड
by people to move around in thick forest. ਅਸੀਂ ਐਲੀਫੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਲੀਫੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੈਮਲ ਨੋਨ ਐਸ ਦਾ ਸ਼ਿਪ ਆਫ ਦਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮੀਨਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਨ ਡੈਜ਼ਰਟ. ਉਜਾੜ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੈਮਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਊਠ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਊਠ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਪੀਪਲ ਆਰ ਇਨਵੈਂਟਿੰਗ ਨੈਵਰ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਅਨਦਰ. ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ. ਨਾਓ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਟਰੈਵਲ ਟੂ ਸਪੇਸ ਇਨ ਰੋਕੇਟ ਐਂਡ ਸੈਟੇਲਾਈਟ. ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਐਂਡ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਸਕਰੀਨ. ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਐਂਡ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ, ਟੂ ਐਸਟ੍ਰੋਨਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਿਨ, ਹੈਵ ਟਰੈਵਲ ਟੂ ਸਪੇਸ. ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆ ਸਪੇਸ. ਯੋਰ ਹੋਮਵਰਕ ਇਜ਼ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋਗੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ.